नंबर तीन आंसर हो जाएगा, इन्हां विचों केड़ा काव्य संग्रह सुरजीत लिखा होया है, वो है लफ्जां दी दरगाह। लफ्जां दी दरगाह सुरजीत पात्र का लिखा होया काव्य संग्रह है। नैक्सट हाँ जी, जिहड़े कमेंट आ रहे कि वीडियो बंद हो जाती है, थोड़ी जी नैटवर्क प्रॉब्लम हैगी है, और कल तो इस तरह की जी प्रॉब्लम तुहानू नहीं आएगी, और पहला ही जरा नैटवर्क प्रॉपर जरा तरीके जो थोड़ा वाईफाई किया और सीधा ही पहला सीधा ही जरा डायरैक्ट ताड़े नाल शेयर की जाती वीडियो, अच्छे वाईफाई तो चल रही है, इस करके वाईफाई करके थोड़ी जी प्रॉब्लम आ रही है। चलो नैक्सट टाइम आप इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आन देवे, ठीक है। चलो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं आप। 40 नंबर, सुरजीत पात्र के पहले काव्य संग्रह, सुरजीत पात्र के पहले काव्य संग्रह का नाम की सी? पहला ही कर चुके हैं हवा विच लिखे हर्फ। सुरजीत पात्र का जो पहला काव्य संग्रह सी उसका नाम सी हवा विच लिखे हर्फ। नैक्सट क्वेश्चन लेने हैं। हाँ जी नैक्सट, कुछ कहा तो हनेरा जरेगा किमें चुप रहा तो समाधान की रह कहेंगे, और काव्य शात्रा में केड़ी कवि का जरा ये उभरदा, ठीक है, तो की मतलब इस कवि दसना चाहता है, तो इस उत्साह पैदा करता अपने आप प्रति मोह या जीती या इन विचों कोई नहीं। बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा नंबर आड़ा दुचित्ती, ठीक है। नैक्सट लेने हैं, सुरजीत पात्र अपनी कविता विच केड़ी चीज़ दर्शाता है? सुरजीत पात्र अपनी कविता विच केड़ी चीज़ दर्शाता है? बिल्कुल राइट आंसर की होएगा, सुरजीत पात्र अपनी कविता विच केड़ी चीज़ दर्शाता है? तो सारा कुछ ही जरा अपनी कविता दे विच दर्शाता है सुरजीत पात्र। नैक्सट क्वेश्चन लेने हैं, नैक्सट क्वेश्चन होएगा, अपनी कविता के पहले पड़ा समय सुरजीत पात्र ने किहड़े विषय नूं अपनाया? अपनी कविता के पड़ा समय सुरजीत पात्र ने किहड़े विषय नूं अपनाया? तो पंजाब संकट। नैक्सट क्वेश्चन है, हेठ लिखिया विचों किहड़ी कविता सुरजीत पात्र की नहीं? खत्तां दी उड़ीक, मैं राहां ते नहीं तुरदा, मेरी कविता, ये सारे ही सुरजीत पात्र दे है, और हर मोड़ ते सलीबां, ये गज़ल एक ये सुरजीत पात्र की नहीं जो कि जगतार की है। नैक्सट लैने हैं, किताब चों जिहड़ी मुहब्बत पढ़ी सी वह जीवन विच आई ना तेरे ना मेरे, काव्य सत्रां किहड़े काव्य संग्रह विच दर्ज हन? ये वालियाँ काव्य सत्रां जो हैगियां तुहाडे सामने स्क्रीन ते फ्लैश हो रही, किस काव्य संग्रह विच दर्ज हन? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नंबर एक, हवा विच लिखे हर्फ। हवा विच लिखे हर्फ। नैक्सट लैने हैं, 2012 होएगा, इतने 11 नहीं होएगा, 2012 पात्र नूं भारत सरकार ने किहड़ा सन्मान दिता? सुरजीत पात्र नूं किहड़ा सन्मान दिता? तो पद्म श्री, राइट आंसर हो जाएगा पद्म श्री। नैक्सट लैने हैं, पंजाब संकट नाल जुड़ियां कवितावां सुरजीत पात्र दे किहड़े संग्रह विच शामिल हन? पंजाब संकट नाल, बिरख अर्ज करे, विरख अर्ज करे विच शामिल है। नैक्सट क्वेश्चन लैने, किसने कवि दरबारों में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की? किसने कवि दरबारों में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की? राइट आंसर होगा नंद लाल नूरपुरी, नंद लाल नूरपुरी। नैक्सट लें, अज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, गीतों का बादशाह किसनों कहा जाता है? गीतों का बादशाह किसनों कहा जाता है? राइट आंसर होगा नंद लाल नूरपुरी, ठीक है जी। आज दा वीडियो इत्थे ही समाप्त करांगे, और कल लई तुहाडे लई एक जिहड़ा क्वेश्चन है और इसका तुसी आंसर जरूर दस दो कमेंट करके, जब तुहानू पता है सौगात चंग्याड़े बंगा गाउंदा पंजाब काव्य संग्रह किस दीआं रचनावां हन, और इसका आंसर जिहड़ा जरूर दस दो कमेंट करके। और अज थोड़ी जी प्रॉब्लम आई है वीडियो दे विच नैटवर्क प्रॉब्लम करके, और नैक्सट टाइम जहाँ नहीं होएगा। और जेकर तुहानू वीडियो वधिया लगी तां प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करो अपने दोस्तों मित्रों तक, और ये 5000 क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है इसके तुसी नोट्स भी ले सकते हो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स तुम्हें लिंक मिल जाएगा, और इस तो अलावा
ਵੀਰ ਕਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਐਚ ਆਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਵੀਰ ਕਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਨਜ਼ਾਬਤ ਦੀ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ, ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਰ ਕਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਚ ਆਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਚ ਆਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਟੱਡੀ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।